नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज। फतेहपुर जिले में पिछले 15 साल से मुर्दा बनकर महाराष्ट्र में छुपे हत्यारे को पुलिस ने अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। हत्यारा छोटेलाल 2003 में अपने मामा सवनिया की गला काटकर हत्या कर दिया और हाथ में लिखे नाम वाले हाथ को काटकर यमुना नदी में फेंक शव को अपने कपड़े पहनकर कुएं में फेंक भाग निकला। 2 साल पूर्व आरोपी छोटेलाल के जिंदा होने की बात सामने आई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक मामा सवनिया के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 20,000 का इनाम घोषित कर दिया और पुलिस टीम बनाकर हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र में खाक छनती रही और पुलिस को जब हत्यारे का सुराग लगा तो हत्यारे को अरेस्ट कर खुलासा कर दिया। वही एसपी ने बताया कि तल्लालौली थाना क्षेत्र के कोर्राकनक गाँव में 2003 में सर और हाथ कटा हुआ शव मिला था, जिसकी शिनाख्त पुलिस ने कपड़ों के आधार पर छोटेलाल के नाम पर किया था, लेकिन पुलिस ने सवनिया की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन 2016 में अचानक मृत छोटेलाल के जिंदा होने की सूचना मिली, जिसके बाद थाने में मृतक छोटेलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। इसने महाराष्ट्र में रहकर करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी, जिसे पकड़कर खुलासा कर दिया गया है। वही मृतक के जब इस बारे में बात की गई तो उसका कहना था कि मृतक मामा द्वारा अक्सर झूठे मुकदमे में फंसाकर महीने में 20 दिन थाने में बैठाने ले जाने से अजीज आकर उसकी हत्या कर यह नाटक किया था। मैं डब्ल्यू सी एल का नौकर था, 1,70,000 रुपये को पगार थी। आज अभी 1.5 साल नौकरी से मेरी वो नौकरी देख करके उन्होंने ऐसा खड़े बच करके मेरी नौकरी छूट गई। मैं दर दर भटक ये लगातार भागता रहा ताकि कहीं इसकी शिनाख्त न हो सके, इसकी पहचान न हो सके। सर, जो रक्त बनकर के क्यों ये इस तरीके की इसने हरकत की? इसलिए कि जिस अर्जुन से इसका विवाद था, झगड़ा था, उस अर्जुन पर ही उसको फंसाने के लिए इसने अपनी हत्या का जो स्वांग रचा कि जैसे इसकी हत्या हो गई हो और उसके हत्या में अर्जुन आदि जो उसके विपक्षी थे उनको नामजद करा दिया गया था। लेकिन उसमें उस केस में जो है, चूँकि संदिग्ध था, साक्ष्य नहीं मिले थे, तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी थी। बाद में 2016 में जो धमताली गायब हुआ था, उस धमताली के परिवार वालों ने फिर एक मुकदमा कायम कराया, जिस मुकदमा में ये नामजद अभियुक्त इसको रखा गया, क्योंकि लोगों को शक था कि ये कहीं ना कहीं जिंदा है और ये इस तरह की घटना में संलिप्त रहा है।